मुरादाबाद उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा एवं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस महानगर की सड़कों पर निकाला गया। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश शिक्षक के महासंघ के बैनर तले आंदोलन का द्वितीय चरण एक विशाल जुलूस के रूप में सरकार शिक्षा विरोधी मशाल जुलूस निकाला गया। सरकार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही है छात्राओं को और अध्यापकों को प्रताड़ित करने के लिए सरकार पूरी तरह से कमर कसे हुए है। नए नए आदेश जारी हो रहा है जबकि स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय व्यवस्था नहीं है, चार दीवारी नहीं है, शुद्ध पेयजल नहीं है, पंखे नहीं है, अध्यापकों की बहुत कमी है। 200 बच्चों पर एक अध्यापक नियुक्त किया गया है और अपनी कमियों को छुपाने के लिए सरकार अध्यापकों निशाना बना रही है। इसलिए आज शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ रोड पर उतरकर विशाल जुलूस निकाला है। अगर इसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं तो 6 नवंबर को एक विशाल रैली लखनऊ में निकाली जाएगी। जी वैसे भी किस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है आज? उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के बैनर तले द्वितीय चरण का आंदोलन है मशाल जुलूस के रूप में। सरकार शिक्षक विरोधी नीतियां हैं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही छात्रों के हित में, लेकिन अध्यापकों को प्रताड़ित करने पर कमर कसे हुए हैं। नए नए आदेश जारी हो रहे हैं जबकि स्कूलों में शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, चार दीवारी नहीं है, बिजली पंखे नहीं है, शुद्ध पेयजल नहीं है, अध्यापकों की कमी है, एक एक 150-200 बच्चों पर एक एक अध्यापक है और अपनी कमियों को छुपाने के लिए सरकार शिक्षकों पर दोष मढ़ रही है और दोष मढ़कर नए नए फरमान लागू कर रही है, कभी प्रेरणा आय कभी कुछ। इसलिए आज शिक्षक में सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है और वो सड़कों पर उतरा हुआ है। क्या चाहते हैं आप सरकार द्वारा? अब अगर सरकार ने इस मशाल जुलूस जो हमारा जन जागरण है इस पर भी सरकार नहीं चेतती है तो 6 नवंबर को एक विशाल महारैली का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा और लखनऊ की सड़कों को पाट दिया जाएगा, जाम लगा दिया जाएगा लखनऊ में।